बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 11 मिट्टी क्षरण तथा अपक्षरण इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए, आपके अभ्यास में पहला देखते हैं क। सही विकल्प पर टिक लगाएं। मिट्टी के कटाव को कहते हैं, मिट्टी के कटाव को हम आप्रदन कहते हैं, तो इसका ब लगाइए, वन का ब। दूसरा देखते हैं, सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? पहाड़ों पर, तो टू का आ लगाइएगा। तीसरा देखिए, नदी द्वारा जमा की गई मिट्टी को कहते हैं सिल्ट, ठीक है, तो तीन का स। अब आ जाइए ख। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ ऊपर शब्द दिए गए हैं, ठीक है, अब इनको हमें फिल करना है। पहला है, तेज वायु मिट्टी का डैश करती है। जब तेज हवा चलेगी तो क्या होगा? आप्रदन, ठीक है, तो फर्स्ट में आप लिखेंगे आप्रदन। दूसरा है, सीढ़ीदार खेत डैश पर पाए जाते हैं, तो सीढ़ीदार खेत जो होते हैं वो पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तीसरा देखिए, डैश में खनिज लावण होते हैं, तो खनिज लावण जो होते हैं वो सिल्ट में होते हैं, ठीक है, थर्ड का सिल्ट। फोर्थ देखिए, छोटे बांध पानी के तेज बहाव को डैश करते हैं, क्या करेंगे? उसको रोकते हैं, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा नियंत्रित। फोर्थ में आप लिखेंगे नियंत्रित करते हैं। फिर फिफ्थ देखिए, ऊपरी मृदा डैश होती है, तो सबसे ऊपरी मृदा जो होती है वो ढीली और मुलायम होती है। फाइव में आप लिखेंगे ढीली और मुलायम। आइए अब ग देखते हैं। सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस लगाइए। इसमें पहला है, उपजाऊ मिट्टी के कटाव को नहीं रोकना चाहिए, तो इसका उत्तर है रॉन्ग। उपजाऊ मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए, इसके लिए हमें अपनी तरफ से कुछ प्रयास भी करने चाहिए। दूसरा है, ह्यूमस उपमृदा में पाया जाता है, तो इसका उत्तर है राइट, इसको आप टिक करेंगे। तीसरा देखिए, ऊपरी मृदा पौधों के विकास के लिए उपयोगी होती है, तो सबसे ऊपरी मृदा जो होती है मिट्टी, वो हमेशा उपयोगी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लावण प्रेजेंट होते हैं, खनिज होते हैं, ठीक है, तो इसको थ्री का टिक कर दीजिए। फोर्थ देखिए, सीढ़ीदार खेत मैदानों में बनाए जाते हैं, तो आपका जो फोर्थ है इसका उत्तर गलत है, क्योंकि सीढ़ीदार खेतों को हम पहाड़ों पर बनाते हैं। फिफ्थ देखिए, उपमृदा में रेत कम तथा ह्यूमस अधिक पाया जाता है, तो इसका उत्तर है राइट, ठीक है, सबसे ऊपरी मृदा में हमें खनिज मिलते हैं, तो उसके नीचे वाली जो मृदा होती है उसमें रेत कम तथा ह्यूमस ज़्यादा होता है। तो बच्चों, आज के लिए आप अपने कॉपी में आज की डेट में इतना काम कीजिए। बाकी के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर बच रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।